हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लेडर की अपने स्टडी कर रहे हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, IVP और IVU, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी। देखो, नाम से पता लग रहा है इंट्रा वेनस, यानी क्या है, वेन्स के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया जाता है। देखो, इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या होती है, दो किडनी होती है, ये दो यूरेटर होते हैं, एक ब्लेडर और एक यूरेथ्रा होता है। इसमें राइट किडनी वो क्या थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इस साइड में क्या है, लीवर को स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये अपर यूरेटर्स हो गए, ये मिड यूरेटर्स और ये लोअर यूरेटर्स। यूरेथ्रा के अंदर दो वॉल्स होते हैं, प्री यूरेथ्रल वॉल और पोस्ट यूरेथ्रा वॉल्व, जहां के यूरेटर किडनी में एंटर करते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। और जहां यूरेटर ब्लेडर के अंदर एंटर करते हैं, उस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन। ये जो ट्रिनोमा स्ट्रक्चर होती है किडनी में, इसको अपने क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस। और जो आउटर कवरिंग है, इसको रिनल कोर्टेक्स। और ये तो स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रही है, ये वाले पार्ट, इनको अपने क्या बोलते हैं, रिनल मेडुला। इसके बाद अपने बात करें तो इसमें देखो, पेशेंट प्रिपेशन, पेशेंट प्रिपेशन कौन कौन सी होती है, AST, एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, वो अपने पेशेंट का करवाते हैं। सेकंड है अपनी RFT, रिनल फंक्शनल टेस्ट, यानी किडनी के जो फंक्शनल टेस्ट है अपने उनको करवाते हैं। थर्ड है अपनी बोअल प्रिपेशन, यानी अपने क्या है, पेशेंट की बोअल प्रिपेशन भी अच्छी तरह करवाते हैं, क्योंकि जब क्या करते हैं, अपने किडनी यूरेटर ब्लेडर की इमेज लेते हैं, तो अगर बोवल के अंदर फ्लूड गैस वगैरह होगी, तो उसकी इमेज क्या है, उनके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, इसलिए अपने बोवल को भी पूरी एम्प्टी रखते हैं, इसकी भी फुली प्रिपरेशन की जाती है। इसके बाद अपने प्रोसीजर स्टार्ट करें, तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपने इमेज लेते हैं प्रिलिमिनरी फिल्म, यानी प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले अपने इमेज लेते हैं बोल प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। सेकंड फिल्म अपने लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करने के 5 मिनट बाद, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नेफ्रोग्राम। ये अपने दो इमेज ले ली, फिर अपन ने क्या किया, देखो इसमें दिखा रखा है डायग्राम में, जब अपने सेकंड इमेज लेते हैं, जो किसकी आती है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन की आती है, PUJ की, जिसमें अपने को पेल्विक क्लेक्सियल सिस्टम भी अच्छी तरह दिखता है। सेकेंड इमेज में अपने क्या करेंगे, कंप्रेशन बेल्ट का यूज करेंगे, एब्डोमन पे कंप्रेशन बेल्ट को अच्छी तरह बांध देंगे, जिससे क्या, कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी से निकल के यूरेटर में आएगा और वहीं रुक जाएगा। इसके बाद लेते हैं अपने थर्ड इमेज। थर्ड इमेज कब ली जाती है, कॉन्ट्रास्ट डालने से 15 मिनट बाद। इस इमेज में अपने क्या देखते हैं, यूरेटर्स, तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, यूरेट्रोग्राम, यानी इसमें अपने किडनी और दोनों यूरेटर्स कॉन्ट्रास्ट से फिल दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है अपनी फोर्थ इमेज, जिसको अपने क्या बोलेंगे, साइटोग्राम, यानी इसमें अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, ब्लेडर में आया हुआ दिखाई देगा, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी से निकल के दोनों यूरेटर्स से होते हुए ब्लेडर में आ गया है, तो इसमें अपने को ब्लेडर्स और यूरेटर कॉन्ट्रास्ट फील्ड दिखाई देते हैं, तो इस इमेज को अपने बोल सकते हैं साइटोग्राम विद यूरेट्रोग्राम। इसके बाद आती है अपनी फिफ्थ फिल्म। फिफ्थ फिल्म कब ली जाती है, यानी फोर्थ फिल्म लेने के बाद अपने पेशेंट को बोलेंगे कि बाहर जाए और फ्लूड इंटेक करे, जैसे कि चाय, कॉफी, वाटर इंटेक करे, और जब उसका ब्लेडर फुल हो जाए, तो ब्लेडर को खाली करने से पहले, वॉइड करने से पहले इमेज को लेंगे। उसके बाद ली जाती है सिक्स्थ इमेज, आफ्टर द
वॉइड, अपने पेशेंट को बोलेंगे कि यूरिन का एक्सक्रिएशन कर दे, यानी यूरिन ब्लेडर को पूरा एम्पटी कर दे। उसके बाद अपने 6 इमेज लेते हैं। उसके बाद आ जाती है अपने आफ्टर केयर की बात। अगर अपने को देखो पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उसको कोई वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, या उसके वाइटल साइंस मेजरमेंट करेंगे। अगर अपने को आईवी सेट की, यानी जो कैनूला लगाया हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, कैनूला को हटा के उस साइड की अच्छी तरह बैंडेज कर देंगे। ये होगी अपनी आईवीपी प्रोसीजर। इसमें अब कुछ मॉडिफिकेशंस बताए गए हैं कि देखो किसी कंडीशन में क्या व्यू नहीं लिया जा रहा है, या इस कंडीशन में व्यू सही नहीं आ पा रहा है, तो अपने क्या करते हैं। जिसमें अपने सबसे पहले है रिनल फेलियर, यानी अपनी किडनी फेल हो जाए, ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे। इन द केस ऑफ रिनल फेलियर, डबल डोज आईवीपी कैन बी परफॉर्म्ड अलोंग विद द डायलेट फिल्म अप टू 24 आवर्स। इस केस में अपने क्या करते हैं, यानी किस केस में, रिनल फेलियर के केस में अपने पेशेंट को आईवीपी प्रोसीजर में डबल डोज देंगे, एंड जो अपने डोज दे रहे थे उससे अपने डबल डोज पेशेंट को देंगे, और जो पेशेंट की उसके बाद अपने इमेज लेते हैं, अपने इमेज 24 आवर्स तक लेंगे, एंड जैसे धीरे धीरे हल्का हल्का कॉन्ट्रास्ट मीडिया आगे आता रहेगा वैसे अपने 24 आवर तक इमेज लेते रहेंगे, जैसे कि 6 आवर के बाद, 12 आवर के बाद और 24 आवर्स के बाद ऐसे अपने इमेज लेते हैं। इसके बाद सेकंड अपना है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या करेंगे, इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन द रेट बाय विच द कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द किडनीज इज एस्टिमेटेड एंड कंपेयर टू द नॉर्मल रेट ऑफ एक्सक्रिएशन फ्रॉम द ईच किडनी। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसके क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन करके आगे पहुंचा देगा, तो अपने क्या नॉर्मल कंडीशन में और हाइपरटेंशन कंडीशन में अगर लेते हैं तो उससे अपने क्या है, पेशेंट के ब्लड प्रेशर का यानी बीपी का पता भी चल जाता है। थर्ड अपना डायलेट किडनी, यानी किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है बहुत देर बाद, यानी बहुत लेट काम कर रही है, अपने अपना काम बहुत लेट कर रही है, सही प्रॉपर टाइम में नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं, डायलेट नेफ्रोग्राम कैन बी टेकन इन द केस ऑफ डायलेट एक्सक्रिएशन टिल द 24 आवर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन विद द सीरीज ऑफ रेडियोग्राफ एज फॉलो पेशेंट 3 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स। अपने क्या करते हैं, जब अपने डायलेट नेफ्रोग्राम लेना है यानी किडनी ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसके बाद भी अपने क्या इमेज लेनी है, तो अपने कॉन्ट्रास्ट देने के 24 आवर्स बाद तक इमेज लेते हैं, जिसमें रेडियोग्राफ्स यानी इमेज की एक सीरीज रहती है, जैसे कि 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद और 24 घंटे बाद। इस सीरीज में अपने क्या है, इमेज लेंगे और चेक करते रहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कितना आगे जा रहा है, कब तक कॉन्ट्रास्ट ब्लेडर में पहुंचता है। उससे अपने क्या है, साइटोग्राम, यूरेट्रोग्राम, नेफ्रोग्राम, सारी इमेज आ जाती है। इसके बाद है ब्लेडर एबनॉर्मलिटीज, यानी ब्लेडर के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ गई है तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे। एनी मोर मॉडिफिकेशन कैन बी मेड अलोंग विद द नॉर्मल आईवीपी सच एज, यानी इसमें क्या है, अनेक मॉडिफिकेशन किए गए हैं जो कि अपने नॉर्मल आईवीपी लेते हैं उससे अलग, जो है फॉर्मेशन ऑफ डायवर्टिकुला इन द ब्लैडर वॉल सुटेबल व्यूज सच इज एपिलेटल एंड ओब्लिक व्यूज ऑफ ब्लैडर कैन बी टेकन सेपरेटली। जब क्या है, ब्लेडर के अंदर डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन हो जाता है,
डायवर्टिकुला क्या, स्मॉल पाउचेस का बनना, या किसी, यानी डायवर्टिकुला क्या होता है, सॉरी, रोंग पासेज बनना, यानी कहीं से रोंग पासेज बन गया है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, डायवर्टिकुला बनने की कंडीशन में अपने ब्लेडर का एपीलेटरल और ऑब्लिक व्यू लेते हैं, जिसमें क्या है, अलग अलग इमेज लेंगे और अपने को ब्लेडर वॉल्स की क्लियरली इमेज दिखाई दे जाएगी। एनी ब्लेडर वॉल इरेगुलर और इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ कैन बी सीन इन लेटरल एंड ऑब्लिक व्यू। इसमें क्या है, जो भी ब्लेडर में इरेगुलर या इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ये देखो इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ दिखा रही है, ब्लेडर के अंदर कोई भी ग्रोथ हो रही है या वॉल्स में इरेगुलर शेप आ रहा है, उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, लेटरल एंड ऑब्लिक व्यू पेशेंट का लेते हैं, जिसमें अपने को क्लियरली इमेज दिखाई दे जाती है। देखो ये देखो फॉर्मेशन ऑफ डायवर्टिकुलर कुला दिखा रखा है, ये क्या इरेगुलर वॉल्स, यानी जो ब्लेडर की वॉल्स है वो इरेगुलर शेप में हो रही है, इंट्राल्यूमिनर ल्यूमिनल ग्रोथ, यानी पेशेंट के ब्लेडर के अंदर कोई भी इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ हो रही है। ये सारे क्या व्यू अगर अपने को एपी में नहीं दिखाई देंगे तो अपने लेटरल ऑब्लिक व्यू भी लेते हैं, जिसमें ये सारी इमेज अपने क्लियरली सीन हो जाती है। इसके बाद अपना आता है एक्टोपिक किडनी, यानी किडनी का अपनी लोकेशन में नहीं होना, किडनी किसी दूसरी लोकेशन में होना, यानी किडनी अपनी लोकेशन में नहीं है, अपने इमेज ले रहे हैं तो अपने को इमेज में किडनी नहीं दिखाई देगी, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे किडनी की इमेज लेने के लिए। इफ द किडनी आर नॉट विजुलाइज्ड इन व्यू, देन व्यू ऑफ होल एब्डोमन कैन बी टेकन, हॉर्स शोज किडनी, फ्यूज्ड किडनी इन द केस किडनी आर यूजुअली फाउंड अराउंड द लंबर रीजन। जिसमें क्या अपने एब्डोमन का व्यू ले रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करके, जिसमें अपने क्या किडनी दिखाई नहीं दे रही, यानी किडनी की लोकेशन चेंज हो गई है, हॉर्स शो किडनी हो गई, यानी किडनी फ्यूज होकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चली गई है, उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, एब्डोमन का होल एब्डोमन व्यू लेते हैं, पूरे एब्डोमन का व्यू लेते हैं, जिसमें कि अपने को किडनी सीन हो जाती है। किडनी कहाँ सीन होती है, लंबर रीजन के अराउंड में, यानी अपने को किडनी की इमेज सही दिखाई नहीं दे रही है, एक्टोपिक किडनी हो रखी है, यानी किडनी की लोकेशन चेंज हो रखी है, तो अपने क्या है होल एब्डोमन का व्यू लेते हैं, जिसमें कि अपने को लंबर रीजन के आसपास किडनी दिखाई दे जाती है। इन सच केस एन एपी एंड लेटरल नेफ्रोग्राम कैन बी टेकन। इस केस में अपने क्या करते हैं, पेशेंट के होल एब्डोमन का एपी और लेटरल नेफ्रोग्राम करते हैं, जिसमें अपने क्या किडनी की इमेज दिखाई दे जाती है, जो जो अपन ने कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिखा डाल के किडनी की इमेज ली थी उसको अपने क्या बोलते हैं, नेफ्रोग्राम। तो अपने नेफ्रोग्राम की इमेज यानी अपने को नहीं दिखाई दे रही है किडनी अपनी लोकेशन में नहीं दिखाई दे रही है, तो अपने होल एब्डोमन का एपी और लेटरल इमेज लेते हैं, जिसमें कि अपने को किडनी यानी नेफ्रोग्राम सीन हो जाता है। इसमें अपने को जो मॉडिफिकेशंस बताए गए थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं, ये व्यू अपना आईवीपी यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या आईवीयू इंट्रावेनस यूरोग्राफी कंप्लीट होता है। इसके बाद यानी अपने को इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करने से इमेज क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके आगे भी अपने को बताया गया है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफ, यानी पहला प्रोसीजर अपना कौन सा हो गया, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, और दूसरा अपना कौन सा हो गया, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। इसमें अपने क्या करेंगे, रेट्रोग्रेड यानी डायरेक्ट क्या करेंगे, यूरेटर के अंदर कैथेटर डाल के यूरेटर्स की किडनी की ब्लेडर की इमेज लेते हैं, तो ये हो गया अपना रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। अब हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी स्टार्ट करते हैं, जो अपना पहला प्रोसीजर था आईवीपी वो कंप्लीट हो चुका है। रेट्रोग्रेड का इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपने पढ़ते हैं।
दिस प्रोसीजर इज इंडिकेटेड वेन एन आईवीपी हैज बीन फेल्ड और ड्यू टू एनी यूरोपैथीज कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन नॉट बी गेट पासेज थ्रू द पीसीएस ऑफ बोथ किडनी। क्या जब ये प्रोसीजर कब किया जाता है, जब कोई भी इंडिकेटेड आ जाए यानी इंडिकेशंस हो, यानी जिस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं। किस कंडीशन में? जब अपना आईवीपी प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है, आईवीपी प्रोसीजर नहीं हो पाता है, या फिर जो अपना यूरोपैथीज है वो अपने को यूरोपैथीज यानी कोई भी यूरिन में यूरेटर्स में पैथोलॉजीज होने के कारण कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है पास आउट आगे नहीं हो पाता है, तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, या जो पीसीएस सिस्टम होता है किडनी का उससे आगे पास आउट नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रास्ट एक्स के रुक जाता है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं, यानी जब अपना आईवीपी प्रोसीजर फेल्ड हो चुका है। और किस कारण हुआ है, कोई भी यूरेटर्स में पैथोलॉजीज आ गई हो, कोई भी यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कुछ भी हो, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है आगे यूरेटर्स में नहीं जा पा रहा है, पीसीएस के कारण कॉन्ट्रास्ट मीडिया रुक गया है, तो उस कंडीशन में अपने क्या है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज वेरी पुअर रिनल डिसफंक्शन और वेरी पुअर जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जब किडनी का क्या है रिनल फंक्शन बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है, यानी रिनल फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, या किडनी का जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम हो जाता है, किडनी आगे फिल्ट्रेशन करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया को आगे नहीं भेज पाती है, उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है, इन सच केसेस आईवी डिलीवर्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया विल नॉट स्टेन द यूरिनरी सिस्टम, यानी कई बार क्या है जो अपने आईवी सेट से यानी इंट्रावेनसली कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिलीवर्ड कर रहे हैं वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरिनरी सिस्टम में नहीं पहुंच पाता है, यानी किडनी यूरेटर और ब्लेडर में नहीं पहुंच पाता है कोई भी कारणवश कोई भी पैथोलॉजीज के कारण क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया रास्ते में रह जाता है, अपने यूरिनरी सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है, उस कंडीशन में भी अपने क्या है ये प्रोसीजर करते हैं। इन दिस प्रोसीजर ए यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट प्लेस्ड ए कैथेटर डायरेक्टली इन टू द यूरेटर्स एंड कॉन्ट्रास्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू इट टू सी द पीसीएस जंक्शन एंड यूरेटर्स। इसमें प्रोसीजर में क्या होता है, एक यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट दोनों मिलके कैथेटर को डायरेक्टली क्या करते हैं यूरेटर्स में इंसर्ट करते हैं और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे अपने क्या है पीसीएस जंक्शन को भी क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड दिस प्रोसीजर कैन बी डन ओनली अंडर ए एसेप्टिक कंडीशन बाई ए यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफर अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। ये सारा प्रोसीजर असेप्टिक कंडीशन में यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जिसमें रेडियोग्राफर की सहायता से और ये सारा प्रोसीजर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में रखा जाता है। यानी क्या हो गया, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी किस लिए की जाती है, जब अपना क्या है आईवी के द्वारा इंट्रावेनस के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरिनरी सिस्टम में नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में अपने रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं, या फिर अपना क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी तक पहुंच गया, किडनी से आगे नहीं जा पा रहा है, पीसीएस जंक्शन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या कोई यूरोपैथीज हो गई है यानी यूरेटर्स में कोई भी पैथोलॉजीज हो गई है, जिस कारण कॉन्ट्रास्ट मीडिया आगे नहीं जा पा रहा है,
अपने आगे की इमेज नहीं ले पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी अपने क्या ये प्रोसीजर करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, अपने जो किडनी का रिनाल फंक्शनल सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, या जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो क्या पुअर हो जाता है, जो किडनी को यानी किडनी में से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फिल्ट्रेशन करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया को आगे पास आउट नहीं कर पा रहा है, और जिससे अपने क्या आगे यूरेटर्स की इमेज, ब्लैडर की इमेज दिखाई नहीं दे रही है। तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल ये है, मेन रीजन कि जिस कंडीशन में अपना आईवीपी प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है, यानी अपने आईवीपी में फुल इमेज नहीं देख पाते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो उस कंडीशन में अपने रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की जाती है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा डायरेक्ट एक कट लगा के एब्डोमन पे यूरेटर्स के अंदर डायरेक्ट कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। यूरेटर्स के अंदर डायरेक्ट कैथेटर को इंसर्ट करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंदर इंजेक्ट कर देंगे, जिससे क्या किडनी का पीसीएस सिस्टम, पीयूजे जंक्शन, वीयूजे जंक्शन, यूरेटर्स, ब्लेडर्स, ये सारे क्या अपने को सीन हो जाते हैं। और ये प्रोसीजर असेप्टिक कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसीजर में क्या कट लगाया जाता है, तो ये पूरा प्रोसीजर अच्छी तरह सावधानी बरतते हुए किया जाता है, और यूरोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा रेडियोग्राफर की सहायता से इस पूरे प्रोसीजर को फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में रख के किया जाता है। ये अपना कौन सा हो गया, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अपने यूरेटर्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, पी यूजे जंक्शन पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई पैथोलॉजीज हो गई, कोई डायवर्टिकुलोसिस हो गया, या फिर क्या है यूरेटर्स में कोई भी स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, तो उस कारण क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया आगे नहीं जा पा रहा है, या जो अपना वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिससे क्या है ब्लैडर से आगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं जा पा रहा है। अगर फुली ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फुली यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि जब क्या अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर देंगे तो उसको वापस नहीं निकाल पाएंगे। और इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, एंड जो रिनल फंक्शनल है वो पुअर हो गया है, ग्लोमुलर रेट फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है, या कोई कैलकुलस हो गया है, तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर करते हैं। सबसे मेन इसका जो इंडिकेशंस है वो ये होता है कि आईवीपी प्रोसीजर जब फेल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपने इसके इंडिकेशंस, पेशेंट प्रिपरेशंस, प्रोसीजर पढ़ेंगे। इसमें अपने क्या है आईवीपी कंप्लीट हो गया और रेट्रोग्रेड का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, यानी कि जब आईवीपी प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है तो रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी की जाती है, जिसमें डायरेक्ट यूरेटर्स के अंदर कैथेटर को इंसर्ट करके कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करवाया जाता है और इमेज ली जाती है। नेक्स्ट बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।